जैसे कि ये सारी वैरायटीज़ आपने इतनी अच्छी सारी बताई, जी इनमें से आपके हिसाब से सबसे अच्छी और फिर मार्केट के हिसाब से सबसे अच्छी, बीमारी ना लगने के हिसाब से सबसे अच्छी, इनमें से कौन कौन सी ऐसी वैरायटी आप अलग अलग अगर इन्हें डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे? ये सब अलग अलग केबिन है, इसमें कमरा ये केबिन नंबर एक है, इसके अंदर भी बकरियां हैं और BIV बकरियां हैं और इनके बच्चे ही हैं इसके अंदर छोटे केबिन में। ये केबिन नंबर दो के अंदर सारे के सारे बकरे हैं जो कि खस्सी हैं और ये ब्रीड जो है सिरोही और गुजरी ब्रीड है। आजू कुछ इसमें तोतापरी भी हैं। जी, ये कमरा नंबर केबिन नंबर 3 है। इसके अंदर जो बकरी बियाने वाली होती है उसे हफ्ता 10 दिन पहले हम इसमें डाल देते हैं अलग। ये वाली कौन सी वैरायटी है? ये तोतापरी है। ये भी तोतापरी। जी ये केबिन नंबर 4 है, इसके अंदर भी BIV बकरियां हैं और उनके बच्चे उस छोटे केबिन के अंदर हैं। ये कौन सी वैरायटी है सर? ये भी ये जगराना नस्ल की बकरी है और कुछ ये राजस्थानी है, मिक्स है मतलब इसके अंदर सब। और ये केबिन नंबर 5 है, 5 के अंदर हमने मेंढे रखे हुए हैं। सर मेंढे एक के आपके सींग है और एक के नहीं है? ये अलग अलग वैरायटी है इनकी, वो सींग वाला मेंढा है और ये जो दूसरा है ये बगैर सींग वाला मेंढा है। तो सर आप ब्रीडिंग और ये केबिन नंबर 6 के अंदर हमारे ब्रीडिंग बॉग हैं सारे, ये दो हैं। इनकी कौन सी वैरायटी है सर? ये सिरोही नस्ल के हैं। सिरोही नस्ल के दो। और ये अभी 6 महीने से 7 महीने के बच्चे हैं। अच्छा, और जो हमारे मेन ब्रीडिंग बॉक थे वो अभी हमने एक लॉट सेल करा है तो उसमें हमने 11 बकरियां और एक ब्रीडिंग बॉक दिया है, मतलब दो अलग अलग जगह गई हैं। टोटल सर कितने अभी आपके पास टोटल मिलाकर कितने पशु हैं इसमें? इसमें अभी हमारे पास ऐसी हैं 48-49। ये अभी पूरा 80 से ज़्यादा था इसके अंदर जानवर। अभी आपने रिसेंटली वो एक फार्म अभी खोला है एक ने, वो खोल तो वो लेके गए हैं। और ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये कौन से ब्रीड के आपके और क्या है? ये भी सिरोही नस्ल के हैं सब। अच्छा, ये सब बकरे हैं सिरोही नस्ल के। अच्छा, ये भी 6 महीने के लमसम में है। तो सर आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आपके पास आपने नस्लें बताई हमें, सिरोही आपने बताई है, तोतापरी हमें बताई है, जकराना और जगराम जकराना जी, और फिर एक गुजराती वाली आपने बताई है गुजरी। तो सर जैसे कि अगर किसी को आपसे खरीदना हो तो आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि वो आपसे पता कर सके। और एक चीज़ हमें और बताइए नंबर बताने से पहले कि जैसे कि ये सारी वैरायटीज़ आपने इतनी अच्छी सारी बताई, इनमें से आपके हिसाब से सबसे अच्छी और फिर मार्केट के हिसाब से सबसे अच्छी, बीमारी ना लगने के हिसाब से सबसे अच्छी, इनमें से कौन कौन सी ऐसी वैरायटी आप अलग अलग अगर इन्हें डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो वो एक बार? ये जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से जो किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव करने वाली नस्ल जो है वो सिरोही है। सिरोही और साथ में बर्बरी भी है। वो बर्बरी हमारे यहाँ की लोकल ब्रीड है। लोकल ब्रीड है। बर्बरी का जो मेन है वो दूध का और मांस के लिए यूज़ होती है और ये जो सिरोही है हमारे यहाँ ज़्यादातर तो ये मांस के लिए यूज़ होती है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और नस्लों के मुकाबले। और जो नए गोट फार्मर हैं जो 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 नई नए शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट यही है सर। और जैसे कि आपने दूसरी वैरायटीज बताई, मार्केट के हिसाब से सिरोही सबसे अच्छा है आपके? मार्केट के हिसाब से तो सारी वैरायटी बढ़िया है, वेट होना क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब माल बिकेगा। और सर जैसे कि ईद के टाइम पे कोई ऐसा स्पेशल वैरायटी किसी के दिमाग में रहता है या सिर्फ उन्हें? हाँ, बहुत से जो शौकीन होते हैं उन्हें अपनी स्पेशल मतलब कोई भी जो उनकी पसंद की नस्ल होगी वो वही लेना पसंद करते हैं, लेकिन
ईद के टाइम पे जो मेन हमारा काम होता है वो वेट पे जाता है। बहुत से लोग वेट के हिसाब से लेते हैं, बहुत से लोगों को नस्ल चाहिए, सुंदर चाहिए, बहुत से लोगों को केवल वेट वेट चाहिए। उन्हें इस बात का मतलब नहीं कि कोई सभी कैसी भी नस्ल हो। आप एक बार सा नंबर बता दीजिए अपना। 9627971001। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक आप ये वीडियो शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बिना बेल आइकन दबाए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और अगर कोई नई वीडियो डलेगी तो आपको वो पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।